हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सहसंयोजक बंध का विदलन यानी कि क्लीवेज या फिशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, दो तरीके से सहसंयोजक बंध का विदलन होता है। एक समांग विदलन, होमोलिटिक फिशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके फलस्वरूप मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। दूसरा विषमांग विदलन है, हेटरोलिटिक फिशन है, जिसके बाद कार्बधनायन और कार्ब ऋणायन का निर्माण होता है, जिन्हें कार्बोकेटायन या कार्बेनायन के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए देखते हैं कि समांग विदलन क्या है और विषमांग विदलन क्या है और इनसे कैसे मुक्त मूलक और कार्बधनायन कार्ब ऋणायन बनते हैं। मान लीजिए कोई यौगिक एक्स वाई है, एक्स वाई एक यौगिक है और इसका निर्माण इनके दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इसके टूटने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है होमोलिटिक फिजन के थ्रू और दूसरी तरीका हो सकता है हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन दरअसल तब होता है जब एक्स और वाई के बीच के ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक पे चले जाते हैं, मींस एक इलेक्ट्रॉन एक्स पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन वाई पर चला जाए। तो इस तरह से एक फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन बचता है एक्स पर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है वाई पर। इन्हें ही मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहा जाता है। हेट्रोलिटिक फिशन में एक्स और वाई के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वो किसी एक पर चले जाते हैं, या तो दोनों एक्स पर चले जाते हैं और या फिर दोनों के दोनों वाई पर चले जाते हैं। तो इस तरह से भी दो कंडीशंस बनती हैं। एक कि अगर x पे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो x पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, मीन्स कि निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होते हैं इस तरह से। और y से क्योंकि इलेक्ट्रॉन उठ करके चले गए इसलिए y पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस पे प्रोटॉन बचेगा और प्रोटॉन पॉजिटिवली होता है। नीचे वाले केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन वाई पर गए हैं इसलिए एक्स पर पॉजिटिव चार्ज और वाई पर निगेटिवली चार्ज होगा। तो निगेटिव वाले को एनायन और पॉजिटिव वाले को कैटायन बोलते हैं। तो एक्स यहाँ पर एनायन है और वाई कैटायन है। यहाँ पर एक्स कैटायन है और वाई एनायन है। एनायन को हम कार्बेनायन कहते हैं जबकि ये कार्बन हो, तो इसे कार्बेनायन बोलते हैं, कार्बेनायन। और अगर पॉजिटिवली कार्बन होता है तो इसे कार्बोनियम आयन बोलते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बधनायन या कार्बोकेटायन भी बोलते हैं। इसका एक नाम कार्बोकेटायन भी है, कार्बोकेटायन। अब आइए बात करते हैं कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल तीनों की कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज को बोला जाता है जिसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे मुक्त मूलक बोलते हैं। जबकि कार्बधनायन उन्हें कहा जाता है कि ऐसी कार्बनिक स्पीसीज जिस पर पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, धनायन होता है। और इसी तरह से ऐसी कोई भी कार्बनिक स्पीसीज जिस पर ऋण आयन चार्ज होता है उसे कार्ब ऋण आयन बोला जाता है। मान लीजिए क्लोरीन है Cl2, इसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के थ्रू एक्सपोज करते हैं तो क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट जाता है इस तरह से। जबकि कार्ब धनायन का निर्माण जैसे कि ट्राईमिथिल आयोडाइड ये कंपाउंड है, इस बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो इलेक्ट्रॉन आयोडीन की ओर चले जाते हैं पूरे के पूरे, तो इससे ट्राईमिथिल कार्बोकेटायन का निर्माण होता है और आयोडीन लिबरेट हो जाती है। इसी तरह से कार्बेनायन का निर्माण तब होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखते हैं। मान लीजिए ये एक मीथेन है,
मेथेन के बॉन्ड का फिशन, जिसमें सी एच बॉन्ड का जब फिशन होता है तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है कार्बन पर, तो इससे हाइड्रोजन एच प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और मिथिल ग्रुप पर निगेटिवली चार्ज आ जाता है, इसे कार्बन आयन बोलते हैं और एच प्लस आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। मुक्त मूलक का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसमें एल्किल ग्रुप के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। यहाँ पे देखिए एंगुलर है, 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है इस पे वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। अगर हम कार्बोकेटायन का देखें या कार्बोनायन के बारे में देखें तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसके पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होते हैं, यानी कि वैकेंट होता है, तो आप लिख सकते हैं वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल। लेकिन इनके बीच भी 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है, 120 डिग्री का कोण बनता है और यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। लेकिन कार्बन ऋण आयन की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि इसके पी ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसीलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाता है और इसके बीच 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है और इसीलिए इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। स्टूडेंट्स, इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा इनकी स्टेबिलिटी पे पूछा जाता है, तो मुक्त मूलक की जो स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के थ्रू ये स्टेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नैचिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। ये है ट्राइफिनाइल मेथिल फ्री रेडिकल, और इससे कम स्टेबिलिटी होगी डाइफिनाइल की, इससे कम होगी डायफिनाइल की, और उससे कम होगी फिनिल फ्रिडिल की, उससे कम होगी टर्सरी मिथिल ग्रुप की, उससे कम होगी सेकेंडरी की, और उससे कम होगी मिथिल की, मेथिल फ्रीडिकल। इस तरह से इनकी स्टेबिलिटी घटती जाती है। ठीक है, कार्बधनायन भी सेम इसी तरह से चलते हैं लेकिन कार्ब ऋण आयन इसका अपोजिट चलते हैं, मींस कि अगर सी एस थ्री है तो आपको इस तरह से लिखना है सी एस थ्री और फ्री रेडिकल की जगह इस पर निगेटिव चार्ज लिखना है, फिर उसके बाद उससे स्टेबिलिटी जो डिक्रीज होती है वो क्रमशः इसकी होती है सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री निगेटिव चार्ज, देन सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री निगेटिवली चार्ज, इस तरह से चलती है। और इसके केस में अगर देखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसी को लिख सकते हैं, और जहां पर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे आप पॉजिटिव चार्ज में बदल लीजिएगा, जैसे ये है, उसके बाद आप लिखिएगा डाइफिनाइल को सी सिक्स फाइव सी सिक्स एच फाइव एच पॉजिटिव, उसके बाद फेनिल को सी सिक्स एच फाइव सी एच, देन उसके बाद टर्सरी टर्सरी कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, इस तरह से ये चलते हैं, ये इनके स्टेबिलिटी है। आपको ये याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिक स्पीसीज पर अगर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो फ्री रेडिकल कहलाएगा, अगर उसी पर आप पॉजिटिव लगा दीजिए तो वो कार्बोकेटायन कहलाएगा, और उसी पर अगर निगेटिव चार्ज लगा दीजिए तो वो कार्बेनायन कहलाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर टुडे। हेलो फ्रेंड्स, अब आप पा सकते हैं केमिकल मैन चैनल का सर्टिफिकेट बिल्कुल मुफ्त, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए और अभी पाइए बिल्कुल मुफ्त सर्टिफिकेट केमिकल मैन चैनल का।